विधायक जी ने और कोशिश भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। क्या किया है यहाँ की साफ सफाई है ना, रोड बन रहा है, बहुत कुछ किया उन्होंने, रिक्वेस्ट भी करा दो शराब दुकान है ना, वो करेंगे तब करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल में जो है ये रोड रस्ते का सेंटर भी बंद करवा दो ना, कमिश्नर तक ले जाएंगे बाद में। अभी चले जाओ ना गाड़ी आप लोग के पास, और इतने सारे इकट्ठा भी हो महिलाएं, क्योंकि अभी अभी स्टेप बाय स्टेप हम लोग लेना चाहते हैं, कार्रवाई करना चाहते हैं। आज माहौल बना दिया, अगर हो जाता है काम तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं होता है दुकानें बंद रहे कंटिन्यू। महिला लोग बहन लोग आ रहे हैं अपने, ये लोग आ रहे हैं, कभी सीना झपटी हो रहा है, छेड़खानी कर रहे हैं, तेरी माँ का ऐसा, तेरी बहन का ऐसा बोल के ऐसा वैसा पर्स लेके भाग जा रहे हैं। यह सुधर जाएगी, दारू बंद जिस दिन हो जाएगी, दारू भट्टी भट्टी बंद हो सब सुधर जाएगा, सुधर ही जाएंगे ना, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है ना यहाँ पे, सुधर ही नहीं सके भट्टी भी, दारू भट्टी की सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को भुगतना पड़ता है। हाँ तो भुगतना पड़ता ही है, दारू से भी भुगतना पड़ रहा है, भट्टी से भी भुगतना पड़ रहा है, घर वाले भी पीते, सब पीते, बहुत परेशान है हम तो दारू से भैया। महिलाओं का यह आक्रोश जवाहर नगर का है, भाजपा जिला अध्यक्ष महेश वर्मा के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल दिया है, और जिन दुकानों के सामने ये महिलाएं खड़ी हैं, ये दुकानों में इनका आरोप है कि यहाँ पे चकना सेंटर संचालित होता है, और मेरे लेफ्ट साइड महज 100 मीटर की दूरी पर जो है एक शराब दुकान है, और शराब दुकान होने की वजह से चकना सेंटर यानी कि अहाता सेंटर वहाँ पे संचालित होना अनिवार्य टाइप का हो गया है, और ये महिलाएं जो है इन दुकानों को बंद कराने की मांग को लेकर आज ये मोर्चा खोली हुई है, इकट्ठा हुई हुई है, इकट्ठा होने के बाद नेता के पास जाने वाले। मैडम क्या हो गया, महेश वर्मा जी नाम ले रहे हो, महेश वर्मा जी ने जो है यहाँ पे दारू भट्टी के जो दुकान उन्होंने खोला हुआ है, चखना चला दिया है, और महिलाओं को आने जाने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है, और समाज की विकृतियाँ बढ़ रही हैं इस तरह से करने से, महेश वर्मा की परमिशन से यहाँ पे दुकानें खोली गई हैं। भाजपा के जिला अध्यक्ष है, कोई अधिकारी नहीं है, उनके परमिशन से खुल जाएगा, तो नहीं उनके उन्होंने मतलब ये दुकान वाले जब गए थे उनके पास, वो कमिश्नर के पास उन्होंने भेजा, और कमिश्नर से वो साफ साफ बचने की कोशिश कर रहे हैं महेश वर्मा जी, कि यहाँ पर हमने कमिश्नर को भेज दिया था दुकान वालों को, लेकिन दुकान वाले जो है महेश वर्मा का नाम लेकर के और कमिश्नर का नाम लेकर के उन लोगों ने अपना दुकान यहाँ पर चालू किया है, और सारी महिलाओं को और बच्चों को जाने में आने में बहुत ही ज़्यादा समस्या यहाँ पे पड़ रही है। सात दुकानें हैं, हाँ सब में चकना चलता है, सेंटर चल रहा है, और बहुत ही मुश्किल हो रही है। अभी तो बंद है, लेकिन अभी तो बंद है क्योंकि उन लोगों को पता चल गया है कि ऐसे ऐसे किया जा रहा है, हाँ। तो वो लोग भाग गए हैं यहाँ से, हाँ। शाम को खुलता है, शाम को खोलते हैं, रात तक खोलते हैं, और 12 बजे तक रात तक रहते हैं यहाँ पे आने जाने के लिए, लोगों को बहुत ही ज़्यादा समस्या, महिलाओं को समस्या का समाधान। मेरा नाम आशा वर्मा है जी। मैडम क्या होता है यहाँ पे, हम लोग रिकेक्शन भैया से बोल के सब बंद करवाए हैं, हाँ। लेकिन ये फिर से है अभी हफ्ता 15 दिन पहले से बोले हैं, तो उन्हें बंद करा दिए थे, फिर ये महेश्वर जी ने फिर बोल के खुलवा दिए, और हम लोग को इतनी आफत होती है, यहाँ से पूरा रात में आएंगे शाम को, वहाँ से वहाँ तक दारू की पूरी लाइन लगे रहती है ना, अगर ये दारू भट्टी भी बंद हो सकती तो और अच्छा है, लेकिन ये जो रोड है पूरा हमको क्लियर करके चाहिए, रोड में नहीं चाहिए दारू, है दुकानें बंद होना चाहिए, दारू वाले का नहीं चलेगा यहाँ पे बस। और कौन बताया महेश वर्मा जी खोले करके, अब ये तो पूरे दुकान वाले ही बोल रहे थे ऐसी, क्या बोले कि ये महेश वर्मा भी बोले चलाने के लिए करके, अच्छा हाँ, तो हम लोग क्या क्या मिलते हैं यहाँ पे, अब पानी पाउच वगैरह गिलास विलास सब वो तो वही जानेंगे भैया क्या क्या बेच रहे हैं लोग, या तो कुछ भी बेच सकते, दुकान है या दारू वाले, सौ लोग खड़े रहते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं ना, है कि नहीं। एक मिनट जी बात करें, तो आप ही बताइए कहाँ रहते हैं महिलाएं, सब महिला यही रहते हैं, बम्बई आवास में रहते हैं, कोई यहाँ पे रहते हैं अम्रपाली के पीछे, सब यहीं के इधर की मोहल्ले वाली सब लेडीज लोग आई, ये दुकानें तो महिलाओं के लिए बनी गई थी ना महिला समृद्धि बाजार के हिसाब से, तो ये महिला को कहाँ मिली है, ये तो सब दारू वालों को मिली है, पानी पहुँच वालों को मिली है, महिलाओं यार एक भी महिला की कोई दुकान नहीं है, और हम लोग को तो कोई दुकान इधर मिली नहीं है, कोई इशू है ही नहीं हम लोग के लिए, महिलाओं के लिए यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो हम तो जब से देख रहे तब से पूरा यहाँ पे रोड में बस दारू वाले की लाइन खड़े रहती है, दुकान इकट्ठा हो गया, यहाँ पे कर क्या रहे हो, नारेबाजी करोगे कुछ, नारेबाजी, हाँ हम लोग सुधार लाना चाहते हैं समाज के लिए, हाँ। कि समाज में जो चीजें होनी चाहिए, जो विकृतियाँ फैल रही हैं वो तो उसको रोकने के लिए हम लोग नारा लगा रहे हैं, ताकि हमारी बात जो है विधायक तक पहुँचे और दूर तक पहुँचे, कमिश्नर तक पहुँचे, और दारू भट्टी बंद होगी तो और अच्छी बात है, लेकिन ये रोड पे जो होता है तमाशा, हम लोग रोड से चल नहीं सक रहे, हमको यहाँ से वहाँ तक
बाहर जाना पड़ता, यहाँ पे घर स्कूल बच्चे आते सब आते, हम लोग महिला लोग निकल नहीं सकते, शाम को तो और भी नहीं निकल सकते हम लोग, बहुत तकलीफ होती है महिलाओं और बच्चों के लिए, बहुत ही ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है और बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। बात सुनते क्यों नहीं, नेता लोग कोई बात नहीं सुनते हैं और अपना अपने अपने उसमें पोजीशन का फायदा उठाते हैं, अपने लिए फायदा उठाते हैं, समाज के लिए कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, सुनता नहीं। विधायक जी ने क्या किया यहाँ पे? विधायक जी ने बहुत अच्छा किया, विधायक जी ने, और कोशिश भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। क्या किया है? यहाँ की साफ सफाई है ना, रोड बन रहा है, बहुत कुछ किया उन्होंने, है ना, वो करेंगे तब करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल में जो है ये रोड रस्ते का सेंटर भी बंद करवा दो ना। हाँ तो बोला तो था उन्होंने ना, बंद तो किए हैं लेकिन फिर चालू कर लेते हैं ना, वो महेश भैया का नाम लेके फिर चालू कर लेते हैं ये कुछ भी पता नहीं है कहाँ कहाँ से कनेक्शन बना करके और यहाँ पे चालू कर देते हैं अपना दुकान। और चूंकि महिलाओं के लिए ये दिया गया था, महिलाओं को तो मिला नहीं, पूरी दुनिया सुधर जाएगी दारू बंद जिस दिन हो जाएगी, दारू भट्टी बंद हो सब सुधर जाएगा, तो सुधर ही जाएंगे ना, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है ना, यहाँ पे सुधर ही नहीं सके, भट्टी भी दारू भट्टी की सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को भुगतना पड़ता है, तो भुगतना पड़ता ही है, दारू से भी भुगतना पड़ रहा है, भट्टी से भी भुगतना पड़ रहा है, घर वाले भी पीते, सब पीते, बहुत परेशान है हम तो दारू से भैया। अभी आगे क्या कदम उठाएंगे? बेरोजगारी तो आगे कदम हम है और भट्टी पास में है, है ना, और अच्छा है लोगों को पीने वालों को। क्या करेंगे आगे आप लोग? अगर ये अगर बंद नहीं होता है तो हम लोग जो है आगे और नारा प्रदर्शन करें, मतलब नारा लगाएंगे और बात को आगे ले जाएंगे, कमिश्नर तक ले जाएंगे बात। अभी चले जाओ ना, गाड़ी आप लोग के पास और इतने सारी इकट्ठा भी हो महिलाएं, क्योंकि अभी अभी स्टेप बाय स्टेप हम लोग लेना चाहते हैं, कार्रवाई करना चाहते हैं, आज माहौल बना दिया, अगर हो जाता है काम तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं होता ये चाहते कि दुकानें बंद रहे कंटिन्यू, सुनवाई होगी तो और अच्छा बात है, है ना, सब महिलाओं के लिए है, हमारे एक ही के लिए नहीं है, ये सुधार होगा तो सभी के लिए होगा, है ना, सब जगह के लिए होगा, ये तो बीच बीच मेन रोड में दारू भट्टी खोल देते हैं और पूरा आने जाने में दिक्कत होती, सब जगह से माहौल खराब होता है ना, दारू भट्टी से एक जगह से नहीं, सारे जगह से होता है, शराब दुकान भी बंद हो और ये चकना सेंटर जो खुल के अघोषित रूप से है, अघोषित चकना सेंटर ये भी बंद हो और ये दारू भट्टी भी बंद हो जाए यहाँ से। जी दादी। हाँ जी। क्या नाम है आपका? सुशीला भाई जी। कहाँ रहते हो आप? अमरपाली के पीछे, अमरपाली अटल आवास में। हाँ जी। पीएम आवास बना है। हाँ जी। क्या होता है यहाँ पे शाम को रोज? रोज चखना उखना दारू उरू पीते हैं, लंगड़ा विकलांग लड़का भी है, बिगड़ गया हमारा दारू कारण। हाँ पूरा अंधेरा रहता है, पूरा हाँ अंधेरा रहता है एकदम। हाँ आपका बेटा भी बिगड़ गया? हाँ। तो समझाते नहीं कि मत किया कर बेटा करके? समझाते हैं बाबू, अब क्या करोगे, बहुत समझाती मैं, बड़ा लड़का भी समझाता है मेरा। हाँ काम नहीं करता? नहीं करता, दोनों पैर का विकलांग है। दारू पी रहे? हाँ। कहाँ से पैसा, कहाँ से आता है उसके पास? अब तुम्हारे थोड़ा सा मंगलेगा उससे पीता है। दारू पीने लोग पैसा दे देते हैं उसको? दे देते 10-5 रुपये, वही बिड़ा के पीता है बाबू। दारू पीने से क्या जिंदगी उधार होगा उसका? हाँ मालूम। आप समझाते क्या बात बोलते हैं? कुछ नहीं बोलता बाबू। कौन कौन घर में? बेटा है, बड़ा बेटा है। हाँ क्या होता है भाई यहाँ पे? ये आप तो देख ही रहे हो, अभी तो महिलाएं इकट्ठे हैं, गली रात में गिलास पानी पूरा चलता है, चखना पानी पूरा चलता है यहाँ पे, प्लस क्या है स्ट्रीट लाइट गोल है, मंदिर यहाँ सामने बना है कॉलोनी का भवन का, कभी तांबे का लोटा चोरी हो रहा है, कभी कुछ चोरी हो रहा है, तो ऐसा हाल है यहाँ, रात बंद रह रहा है पूरा, कभी चेंज चेंज कर रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं महिला लोग, बहन लोग आ रहे हैं अपने, ये लोग आ रहे हैं, कभी सीना झपटी हो रहा है, छेड़खानी कर रहे हैं, तेरी माँ का ऐसा, तेरी बहन का ऐसा बोल के ऐसा वैसा, पर्स लेके भाग जा रहे हैं यहीं के लोग। अब बताओ अंधेरे में किसको ढूंढने जाएंगे, अभी लेडीज कितना दौड़ेगी यहाँ पे, भीड़ रहता पूरा पूरा भैया, पूरे रोड भर में। हाँ पूरे रोड भर में ये हाल है भैया। चकना सेंटर के खिलाफ अघोषित रूप से जो संचालित होते हैं यहाँ पे चकना सेंटर, उसके खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है और सामने शराब की दुकान है, जवाहरनगर शराब दुकान, और वहाँ पे जो है जमावड़ा शराबियों को तो रहता ही है, इसके अलावा ये अघोषित चकना सेंटर में भी शराबियों का जमावड़ा रहता है, जिससे महिलाएँ त्रस्त हो गई है, परेशान हो गई है। इनका आरोप है कि भाजपा जिलाध्यक्ष महेश वर्मा के कहने पर इन दुकानदारों ने अपना दोबारा शुरू कर दिया दुकान से, और हालांकि इस आरोप पे जो है महेश वर्मा का बयान आना बाकी है, उनसे भी पूछेंगे कि क्या उन्होंने खोलने के लिए कहा है इन चकना सेंटरों को, कि जो आरोप उनके ऊपर लग रहे उस पर उनसे भी जवाब मांगा जाएगा। लेकिन ये बात सच है कि शराब दुकान की वजह से महिलाओं को काफ़ी परेशानी हो रही है, लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, इस पर समाधान निकालना चाहिए।